हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया। ये बहुत गजब की चीज है, इसको लिख लो, गजब की चीज। क्या गजब की चीज है दोस्तों? इग्लू कैफे। अब आपसे पूछ ले कि भाई इग्लू कैफे क्या होता है? अरे याद करो, लगभग दोस्तों 10,000 साल पहले मैंने तुम्हें दोस्तों पढ़ाया था। क्या ये देखो, ये दोस्तों बर्फ के घर। क्या बर्फ के घर? और मैंने तुम्हें दोस्तों एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के जो घर थे उन्हें मैंने कहा था, इन्हें कहते इग्लू। याद करो, एस्किमो जो जनजाति है दोस्तों, इनके जो बर्फ के जो घर हैं, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। क्या? इग्लू। अगर तुम सोचो दोस्तों, स्नो के साथ में इग्लू, अगर इन दोनों को मिलाऊं तो बन जाए स्नोग्लू। क्या बन जाए? स्नो के साथ में इग्लू। स्नो का मतलब हो गया बर्फ और दोस्तों एक हो गया इग्लू, तो यह बन गया स्नोग्लू। क्या बन गया? स्नोग्लू। तो अगर आपसे पूछे स्नोग्लू क्या है, तो ध्यान रखिएगा, स्नोग्लू दोस्तों एक बर्फ से बना हुआ कैफे है। क्या है? बर्फ से बना हुआ कैफे है, और इस कैफे का निर्माण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर तुम पढ़ लिख कर दोस्तों सिलेक्शन हो गया ना, तो घूमने जाना सोना बाबू के साथ में गुलमर्ग दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ये आपके स्नोग्लू। तो नोट करना, अगर पूछे आपसे इग्लू कैफे का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों स्नोग्लू। क्या नाम है? स्नोग्लू जो है इसका नाम है। अगर पूछे कहां पर, तो लिख देना जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों इसका निर्माण किया है, और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा है। क्या? ये दुनिया का, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों इग्लू कैफे। इग्लू मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा नोट कर लीजिएगा, इग्लू जो है एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के जो घर होते हैं। क्या? एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के दोस्तों घर होते हैं, इन बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं दोस्तों इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं। और अगर पूछे स्नोग्लू क्या है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इग्लू कैफे का जो नाम है स्नोग्लू रखा गया, और वसीम शाह जो है दोस्तों इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ये इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो गया।